टिहरी में 1 नवंबर से लोगों को अपनी फाइलों के लिए बाबुओं का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि आज से जनता अपनी फाइलों को ट्रैकिंग के जरिए ही ढूंढ पाएगी कि उनकी फाइलें कहाँ हैं और क्या कार्रवाई हुई है। जिलाधिकारी ने बताया कि फरियादी जब जिला मुख्यालय में कोई फाइल या एप्लीकेशन रिसीव कराएंगे तो उन्हें फाइल नंबर या फिर एक बार कोड मिलेगा। हर फाइल को एक बार कोड दिया है और वो एक यूनिक बार कोड है, तो जब रिसीविंग लेगा जो भी एप्लीकेंट या कंप्लेनेंट हमारे यहाँ आया है तो वो रिसीविंग लेगा, तो बार कोड की एक कॉपी उसके पास और एक कॉपी हमारे पास ईआर के सेक्शन में रहती है। अब उसके पास एक बार कोड है और एक फाइल नंबर है। बाहर हमारे एक काउंटर हमने लगाया है जिसमें बार कोड रीडर भी है, और अगर बार कोड रीडर नहीं तो फाइल नंबर डाल के ये देख सकता है कि कौन से पटल पे उसकी फाइल पेंडिंग है। साथ ही साथ अगर उसे ऑनलाइन जाना है तो वो हमारा जो ई फाइल ट्रैकिंग का एक हमारा पोर्टल है जिसके अंदर वो जाके और अपना फाइल नंबर डाल के चेक कर सकता है कि उसकी फाइल किस पटल पे पेंडिंग है। इस सिस्टम का संचालन NIC के कर्मचारी कर रहे हैं। आपको बता दें कि टिहरी जिले में 11 तहसीलें, 3 उप तहसीलें और 9 ब्लॉक हैं। efiletihri.in पर अब तक 1750 फाइलें रिसीव की गई हैं, जिनमें 516 फाइलों का निस्तारण हो चुका है और बाकी फाइलें शेष हैं। अब देखना होगा कि जनहित के लिए ये फाइलें ट्रैकिंग सिस्टम कितना कारगर साबित होगा। टिहरी से सूर्य रमोला, पंजाब केसरी TV। शनि काम बनाएंगे या बिगाड़ेंगे? गुरु किसका भाग्य संवारेंगे? कैसा रहेगा राहु का गोचर? मंगल से किसे लगेगी ठोकर? मैं बताऊंगा मेष से लेकर मीन राशि का हाल भविष्यवाणी लाइव में पंजाब केसरी TV पर रोज सुबह 8 बजे।